बताओ क्या करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। आज का व्लॉग मैं काफ़ी लेट में स्टार्ट कर रही हूँ, अभी शाम के बज रहे हैं 5, क्योंकि आज कुछ मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, उनकी वजह से आज उनको हॉस्पिटल लेके जाना था। तो अभी हम निकले हैं हॉस्पिटल के लिए और वहाँ जाके उनके लिए व्हील चेयर ली और आगे ये जा रहे हैं मेरे भाई व्हील चेयर के साथ खेलते हुए। फिर अंदर जाके हमने कुछ देर वेट किया क्योंकि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट तो हमने ली नहीं थी, सडन उनको पेन हो गया था तो उनकी वजह से हमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट नहीं ली थी पहले। तो वेट करने के बाद फाइनली हमें डॉक्टर मिले कुछ टाइम, क्योंकि वो जाने वाले थे, उनका टाइमिंग यही टाइमिंग होती है उनके 5 से, तो इसकी वजह से वो जाने वाले थे। तो फिर जल्दी में उनको देख लिया, फिर उसके बाद हम लोग घर आए। घर आके फिर कुछ देर इसके साथ बैठी एहतशाम के साथ, एहतशाम ने थोड़ी मस्तियाँ की इधर उधर। इनका कोई चैनल बनाया हुआ है नया, मुझे देख के कुछ नया था, इनने भी कोई चैनल बनाया हुआ है जो ये कह रहे हैं कि मेरे चैनल को भी ना सब्सक्राइब कर दें। सो काइंडली इसके चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ एहतशाम साहब की मस्तियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन है, तो ये मैं सबको बता दूं कि ये मेरा भाई है। जो मुझे जानते हैं उनको तो पता होगा, जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि ये मेरा छोटा भाई है। कभी इनके साथ भी इंटरव्यू कर लेंगे तो आपको बता देंगे ये कौन है और क्या बातें करते हैं। खैर अभी चलते हैं हॉस्पिटल। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बार बार हॉस्पिटल क्यों जा रही है, तो मैं बता दूं कि मेरी छोटी सिस्टर को फीवर हो रहा था, आजकल डेंगू बहुत इन हुआ हुआ है, तो डॉक्टर ने कहा था कि आप इनकी टेस्ट करवा लें क्योंकि आजकल बारिशें हर जगह बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, तो उनकी वजह से डेंगू भी बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है, तो उसके लिए उनका टेस्ट करवाना था। तो फिर हम लोग पहुँचे हॉस्पिटल और उनके बाद थोड़ी दूर हमें गाड़ी खड़ी करनी थी, पार्किंग थोड़ी दूर होती है, उसके बाद हमें पैदल जाना पड़ा। फिर पैदल जाके हम लोग हॉस्पिटल अंदर पहुँचे, अंदर जाके पता चला कि इतनी ज़्यादा रश, जब तक हमारा टाइम है ऑलमोस्ट 2 घंटे गुजर चुके थे। आज तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं ही बीमार हो जाऊँगी, वहाँ बैठ बैठ के तकरीबन 2 घंटे मैं वहाँ बैठी हूँ। उनके बाद जाके उसका टाइम आया, फाइनली उसका ब्लड टेस्ट हुआ है और डर डर के उसने ब्लड टेस्ट करवाया। फिर फाइनली हम लोग निकले घर की तरफ, लेकिन रास्ते में अम्मी ने कहा कि इसे, डॉक्टर ने कहा कि इसे जूस पिला दें, तो नज़दीक में ही शॉप थी तो हम लोग वहाँ तक चले गए और इनको जूस पिलाया और हम लोगों ने पिया। अभी कोई और पिएगा तो मैं भी पीऊँगी ना, ऑफ कोर्स। तो फिर मैंने जूस पिया वहाँ पे और मैं पीती हूँ अनार का, सो फिर मैंने अनार का जूस पिया, लेकिन बहुत ज़्यादा खट्टा था तो फिर मैंने थोड़ा ही पिया। फिर घर आए तो अम्मी ने जल्दी जल्दी से खाना बनाया और आज खाने में बना था चिकन रोस्ट और हम सब बहन भाइयों का ये पसंदीदा डिश है, और उसके साथ दाल थी और आलू थे और सब। फिर हम सब बहन भाइयों ने मिलकर खाना खाया और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। फिर उसके बाद मैंने चाय पी क्योंकि मुझे लास्ट में चाय की बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी, तो फिर मैंने चाय पी ली। और इसी चाय के साथ करते हैं अपने व्लॉग को ख़त्म। आई होप आपको मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। जो जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल और दुआओं के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।